जी जैसे हमारी पेशेंगोई थी 4-5 के आसपास मौसम खराब रहेगा, लेकिन 3 तारीख सुबह से ही मौसम ने करवट अपना बदलना शुरू किया और दरमियाने से लेकर 12 दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, खासकर साउथ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुलगाम, कुकरना, शुपियान, काजीगुंड और जो जवाहर टनल के आसपास जो जगह हैं वहाँ पे 1.5 से लेकर 2 फुट के आसपास हुआ है और हायर रीजन में जो है 2 से 2.5 फीट के आसपास भी हुआ है। ओवरऑल सेंट्रल कश्मीर में भी 5-6 इंच के आसपास हुआ है, यहाँ श्रीनगर में भी लगभग 1 फुट से ऊपर हुआ है क्योंकि बर्फ यहाँ पिघलता है इसके कारण, और कुपवारा, बानीपुरा इन एरियाज में थोड़ा सा कम हुआ है। तो अभी इसका मेन जो कारण था 3 सिस्टम्स जो हैं ओवरऑल हैं, एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका इम्पेक्ट कल शाम से ही आया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसका इम्पेक्ट जो है आज शाम से देखने को मिलेगा। बाकी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था पंजाब, राजस्थान और गुजरात के ऊपर, उसके कारण जो है मॉइस्चर फीडिंग हुआ है अरबियन सी से, और साथ ही साथ एक एंटी साइक्लोन बना हुआ था खासकर सेंट्रल इंडिया के आसपास और उसकी वजह से मॉइस्चर फीडिंग हुआ है बे ऑफ बंगाल से। तो आप लोगों को जैसे मालूम है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इन एरियाज में भी पिछले 2 दिनों से बारिशें हो रही है और उसी का इम्पेक्ट जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन एरियाज में भी देखने को मिला है। तो उसके कारण जो हैवी स्नोफॉल खासकर पीर पंजाब रेंज, चिनाब वैली और यहाँ साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और आज से WD का इफेक्ट होगा और साथ में इन दोनों सिस्टम्स का भी इम्पेक्ट रहेगा। तो हमारी पेशेंगोई के हिसाब से 4 और 5 के बीच जो है दरमियाने दर्जे की बर्फबारी होगी बेशतर इलाकों में और कुछ जगहों पे हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर अगले 24 से लेकर 36 घंटे तक, और उसके बाद जो है मौसम बर्फबारी में थोड़ा थोड़ा कमी होगी 5 तारीख शाम से, उसके बाद जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट 6 तारीख दोपहर से होगा क्योंकि हम लोगों को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है कि वैली है और यहाँ पे क्लाउड जो है बिल्कुल हटते नहीं है एकदम से, और उसके कारण जो है थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे क्लाउड्स को निकलने के लिए, और 6 तारीख दोपहर के बाद जो है मौसम साफ रहेगा।